意义。你爱吃啥？लोकेशन देख ले लिए अथी के लग गया कृष्ण जन्माष्टमी वाला गीत बोलने के लिए ओकरे खातिर रास्ता में कौन कौन छै से नमस्कार नया दर्पण यूट्यूब चैनल में तपाईलाई स्वागत छ साथै नया दर्पण साप्ताहिक पत्रिका को तर्फबाट पनि तपाईलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु आज हामी कोशी ब्यारेज छेउमा छौं र कोशी ब्यारेज को पल्लोपट्टि अर्थात सुनसरी छेउपट्टि को एउटा क्षेत्र में हामी छौं र यहाँ हामी कोशी नदी कटान विकास संघर्ष समिति सुनसरी सप्तरी उदयपुर बाट एउटा वृहत सभा को आयोजना गरिएको छ र वहाँ पीड़ित व्यक्ति को आवाज सुनिदिनको लागि र तपाईहरु समक्ष यो आवाजलाई पुर्याउनको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं हेर्दिनु होला वहाँको आवाज सुनिदिनु होला र वास्तविकता के हो त्यसलाई पनि तपाईहरुले निखरोल गरिदिनु होला आएको शुभ नाम हमर नाम महिदेव प्रसाद चौधरी ई डुबान कटान संघर्ष समिति के हम अध्यक्ष संयोजक और इस संदर्भ में हमरा से जे इंटरव्यू ले रहल छे तो एकर शुरू कहानी है जे 1954 ईस्वी में ई बैरेज जे स्थापना जे भेले तै संदर्भ में राजा महेंद्र और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक संधि समझौता भेले और संधि समझौता के में ई लिखल गेले जे ऐ बैरेज बनला के बाद कटान डुबान जतेक भी जमीन हेतै दुनू बांध के भीतर ओकर किन कहै छै बाली मुआवजा भारत सरकार देगी कह करके ऐ तरह के किन कहै छै संधि समझौता भेल छै और विशेष स्वास्थ्य के संबंध में भेल छै स्कूल के संबंध में भेल छै ई सब दू चारिटा एजेंडा सब किन कहै छै ओहिठाम से लिखल गेल छै मज आइ हमरा सबके 60 वर्ष भऽ गेलै हमरा सब आज तक किन कहै छै ने कोनो तरह के उपलब्धि हमरा सबके नहि भेटल ने मुआवजा भेटल और हमरा सबके जमीन आइ बालू ब्रुज भऽ गेल छै उपजाउ के लायक नहि छै एहि के लेल हमरा सब लड़ाई लड़ैत अखन तक ने हमरा सबके किन कहै छै ई भेटल है जे भारत के पदाधिकारी और नेपाल के पदाधिकारी दुनू आदमी मिल कर करके जे हमरा सबके जतेक रेगुलेशन पास भेल है से हमरा सबके उ कटिबद्ध जनेलक है कि वास्तविक एकरा सबके जमीन में एहि तरह के किन किछ क्षति अखन तक भेल है और एहि जमीन के हमरा सबके वेरिफिकेशन सो भ गेल छै तै में कुछ जमीन के वेरिफिकेशन नहि भेल छै जमा अइ मान लिया चतरा से लेकर के बॉर्डर तक पूर्वी बांध और पश्चिमी बांध के भीतर में 56,000 बीघा डुबान कटान के संदर्भ में किन कहै छै ई छै और अखन तक कोनो बाली मुआवजा या कोनो तरह के सुख सुविधा भारत सरकार यदि नहीं भेटल है भारत सरकार यदि किन कहै छै ओ एहि तरह के एकटा विचार लावल के जे इन लोगों को दिया जाए कह कर करके मज नेपाल के तरफ से कोनो पहल अखन तक नहीं हुआ सकले ऐसे पहले भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एलखिन रहा सुषमा स्वराज जी किन कहै छै एजेंडा नंबर 3 में संज्ञान देते हुए मैं कटिबद्ध हूँ कि इन लोगों को बाली मुआवजा दिया जाएगा कह करके मैंने लिखित रूप में हमारा पास रहे
सेकंड जयशंकर जी जे विदेश मंत्री जे बुध दिन जे काठमांडू आयल ओहिमे एजेंडा के लेल हिनका सबके माने किन कहै छै कोनो तरह के